लोग रोड पर भटक रहे हैं, खाने के लिए बेचता नहीं, पैसा नहीं है, कैसे आ रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, क्या करेंगे बाबा? हम लोग ऐसे ही रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं जब तक। खाने पीने तक की दिक्कतें आने लगी हमें, कहीं भी जाओ वहाँ से निकाल दिया जाता है हमें, गुरुद्वारे में जाओ वहाँ से ये लोग निकलवा देते, तो इनके घर की पंचायत बना ली है ना अब तो इनने। मैं सोचता हूँ कि एक बार मौका अगर मिल जाएगा तो चीन पाकिस्तान को मैं सबक सिखा दूंगा, कभी एक बार भी आग्रह दिखा के देख पाएगा। कोई हमारी वार्ता नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता, हम यहाँ पर आंदोलन करने आते हैं, पुलिस हमको भगा देती है, लाठियां खाई है हमने। 17 अगस्त 2021 का प्रोटेस्ट उठाकर देखिए, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए। मुझे वर्दी मिल जाएगी, आरती मिलेगी, तभी मैं जाऊंगा यहाँ से, ऐसे में नहीं जाने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। लाठीचार्ज खाते खाते पूरे शरीर में इतना बदन में दर्द है कि पूछिए मत, लाठी इतना मिलती है यहाँ पे। नहीं, ये युवा जाग गया, और जिस दिन ये 55,000 में से अगर 1,000 भी अगर दिल्ली में आ गए तो उस दिन इस दिल्ली के अंदर तांडव होगा, और फिर ना ये प्रशासन रोक पाएगा ना ये सरकार रोक पाएगी। हम लोग देश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए चाह रहे हैं। मैं प्रदीप पांडे हूँ, यूपी से नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 55,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करा दिया जाए, क्योंकि मैंने 8 महीनों से यहाँ रोड पे भटक रहा हूँ। हमको यहाँ पे किसी भी तरीके से हमको धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि हम लोग भी आर्टिकल 19 मिला है कि हमको शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, हमारी क्यों बात सरकार नहीं सुन रही है? क्योंकि 55,000 अगर मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं और 1,27,000 सीट खाली है। गृह मंत्री नित्यानंद राय जी ने, उन्होंने खुद संसद में स्पष्ट रूप से कहा 1,27,000 सीट खाली है, तो 55,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे पास सारे प्रोसीजर, हम लोग मेडिकल फिजिकल रिटर्न सब क्वालिफाइड है, और अभी भी 60,000 सीट जो निकली हुई थी उसमें से 40,000 सीट भरी है, 20,000 सीट उसमें भी खाली है। तो हम लोग को सरकार कही थी कि 1 करोड़ पर हर साल प्रतिवर्ष नौकरी मिलेगी, तो कहाँ गई? 2 करोड़ कही थी, कहाँ गई वो नौकरी? हम लोग अगर रोड पे ऐसे ही ठहरेंगे तो कहाँ से होगी हमारे परिवार की? हमारे परिवार की स्थिति नहीं सही है, कैसे सुधरेगी? हम लोग की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जब बेरोजगारों को नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? मोदी तो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ क्या सुन रही है? हम लोग परेशान हो चुके हैं, कोई नहीं सुनने वाला है हम लोग की बात को, कोई नहीं। हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, खाने के लिए बेचता नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, क्या करेंगे बाबा? हम लोग ऐसे ही रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं जब तक, जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग जब तक मरेंगे, जब तक यहाँ मुझे वर्दी मिल जाएगी, आरती मिलेगी, तभी मैं जाऊंगा यहाँ से, ऐसे में नहीं जाने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। लाठीचार्ज हो रही है, लाठीचार्ज खाते खाते पूरे शरीर में इतना बदन में दर्द है कि पूछिए मत, लाठी इतना मिलती है यहाँ पे। लेकिन हम लोग को चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? अगर सरकार कहती है कि मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा तो कहाँ गया 2 करोड़? क्यों झूठे वादे अच्छा है कि मृत्यु कर देना सबको? क्यों जुमला दिवस मना रहे थे आप लोग? जुमला बोलते हैं जुमला दिवस इसलिए मना रहे क्योंकि सरकार मेरी बातों पर, अपनी बातों पर नहीं चलती है, कहती कुछ है और करती कुछ और है। हम लोग लड़के हैं, हम लोग के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। अगर सरकार एक बंदे को देता है कम से कम उसे 20 परिवार की 20 फैमिली मेंबर लोग हैं जो कि अच्छे से खा सकते हैं। 5 किलो गेहूँ और चावल से क्या होने वाला है? इससे तो पेट भी नहीं भरने वाला है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कैसे होगा? 135 करोड़ जनसंख्या है और हम लोग 55,000 मेडिकल फिट है, और सरकार को सोच लेना चाहिए ना कि बच्चे हैं इतने दिन से, कौन सी बहुत बड़ी चीज है, और सीट भी खाली है, 1,27,000 सीट खाली है। सरकार को ऐसी चीज चाहिए ना कि बच्चे मेडिकल फिट वाले हो, तो हम लोग सब कुछ फिट है, मेडिकल फिट है। ये पुलिस प्रशासन और ये सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि जिस दिन ये युवा जाग गया और जिस दिन ये 55,000 में से अगर 1,000 भी अगर दिल्ली में आ गए तो उस दिन इस दिल्ली के अंदर तांडव होगा, और फिर ना ये प्रशासन रोक पाएगा ना ये सरकार रोक पाएगी। तो अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास समय है। जो युवा बेरोजगार हैं, जिनमें जिन्होंने ओल्ड टेस्ट क्वालिफाई करे हैं, उनकी जो अभी भी अगर ये सुनवाई करते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन देश का युवा जागेगा, दिल्ली आएगा, और उस दिन जो है जवाब देना इनको मुश्किल पड़ जाएगा। छात्रों पर लाठियां चार्ज हो रहा है, आप लोगों पर पहले भी लाठी चार्ज हो चुका है। देखिए लाठी चार्ज आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह से जो है युवाओं को जो है परेशान किया जा रहा है। जहाँ पे अगर 5 बंदे भी अगर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो ये जो है धारा 144 लगा देते हैं। अभी सुबह मेरे को कह रहे थे कि आप जो है यहाँ पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बैठ सकता मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया, मैं भारत का नागरिक हूँ, यहीं पे बैठूंगा। बोला तेरे को अरेस्ट कर लेंगे। मैं कहा तू कर ले भाई, अरेस्ट कर ले, मैं नहीं जा रहा। तो ऐसा है मैडम, पूरे तरीके से जो है युवाओं को टॉर्चर किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से आज जो युवा है, आज जो मोदी का बर्थडे है उसको भी जो है जुमलेबाज के रूप में मना रहा है, तो वो इसी का नतीजा है। युवाओं की सरकार थी ना, युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरी का घोषणा की थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तभी तो लोग इनको जुमलेबाज बोल रहे हैं, जो इन्होंने वादा करा कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, दिए नहीं बल्कि इन्होंने छीन लिए, तो दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने वादे पे नहीं रहते हैं। बोले हर साल दो करोड़ फॉर्म देंगे, वैकेंसी देंगे, युवा को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? हम लोग युवा ही तो हैं यहाँ जो रोड पे भटक रहे हैं। 3 साल हमारे जो
प्रोसेस है वो 3 साल लग गए हैं, हमारी एज ओवर एज हो चुकी है। डिफेंस की तीनों जो प्रोसेस होती है वो हमने पास कर चुके हैं, फिर भी हमारे पास कहाँ वैकेंसी है, कहाँ नहीं सुन रही सरकार। सुनती तो हम यहाँ रोड पर भटकते क्या, दिल्ली के रोड पर हमें शौक लगी है, हम झारखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली क्या करेंगे बताइए, सरकार सुन नहीं रही हमारी बातों को, दम झूठ पक्का ही झूठ बोलते हैं, बताइए झूठ बोलते रहे, रोजगार दे तो हम यहाँ रहते हैं, बताइए आप ही बताइए ना, हम लोग यहाँ दिल्ली, हम लोग अरे हम लोग झारखंड से आए हैं सर। ताली खाली बजाइए आपने आज मोदी जी के बर्थडे पर। जी बिल्कुल बजाना बनता है आज, बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, बेरोजगार दिवस ऐसे हम मेडिकल फिट फिजिकल हर एक चीज फिट करके यहाँ पे आए हैं, बताइए लाठी खाना पड़ रहा है जबरदस्ती हम लोगों को। मोदी जी रोजगार का वादा करते थे फिर नौकरी क्यों नहीं दे रहे, इन्होंने ना घर की पंचायत बना ली सारी चीजें। आप एक चीज देखिए, कैमरा पीछे घुमाइए जरा भाई, पीछे घुमा कैमरा, गैदरिंग की बात करता है ये प्रशासन, देख लो इनकी गैदरिंग के लिए 144 धारा काम चाहिए, बता दे कोई आके, हम लोग जहाँ इकट्ठे हो जाए दो बंदे वहाँ इनकी 144 लग जाती है, ये अभी इधर खड़े हैं इनके लिए 144 कहाँ गई, ये कुछ नहीं है बेवकूफ बनाया जा रहा। लेकिन अभी जो टाइम है ना युवा जाग चुका है, ये प्रधानमंत्री जी मेरा हर किसी से प्रशासन से रिक्वेस्ट है वो मान ले टाइम से, क्योंकि जिस दिन अभी इतना है युवा जिस दिन आया ना रोड पर इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, 3 साल वो यहाँ 8-9 महीने से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, खाने पीने तक की दिक्कतें आने लगी हमें, कहीं भी जाओ वहाँ से निकाल दिया जाता है हमें, गुरुद्वारे में जाओ वहाँ से ये लोग निकलवा देते, तो इनके घर की पंचायत बना ली है ना अब तो इनने, तो ये चीज़ हम लोग कब तक सहेंगे। अभी आखिरी बार प्रदर्शन किया महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए, जी मैं भी उसी में था, महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए थे पिछली बार जो 17 तारीख को हुआ, तो ये चीज तो अभी और जब ये चीजें देखें कि महिलाओं के साथ इतना हो रहा है इस देश में, तो लड़कियां भी आगे आ रही है ना, क्योंकि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारे वादे ना झूठे साबित होते जा रहे हैं सारी चीजें जो भी इन्होंने बोली आज तक। मैडम नौकरी तो इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन 55,000 कैंडिडेट आया ना दिल्ली में, दिल्ली जाम हो सकती है, आप भी समझदार हो, और ये प्रशासन जो इकट्ठा है ना इतने इनके सिपाही नहीं होंगे जितने 55,000 बच्चे हैं यहाँ, 55,000 वो बिल्कुल चुनौती है, क्या करें 55,000 वो प्लस उनके घर वाले आएंगे, क्योंकि लड़कियां अकेली नहीं आती घर से। पिछले 3.5 साल से मजाक बना रखा है ज्वाइनिंग के नाम पे, कभी किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ये फाइल वहाँ गई, कभी कह रहे हैं वहाँ गई, कोई जवाब नहीं दे रहा है, प्रदर्शन करते हैं तो ये कहते हैं 144 लग गई, क्या करें, कभी गुरुद्वारे से निकाल देते हैं, कभी फुटपाथ पे नहीं छोड़ देते, ऐसा कर रखा है, ऐसे समझ रखे हैं, टॉर्चर बिल्कुल टॉर्चर कर रखा है। अब तो खाने की प्रॉब्लम आने लग गई है, खाने के लिए नहीं है कुछ भी, युवाओं का साथ तो है लेकिन युवाओं को इकट्ठे नहीं होने दे रहे, यहाँ पे आज सुबह पार्क में इकट्ठे हुए थे, आज सुबह बोले एकदम से 144 तक जाती है इनकी, ये हम लोग को कोई किसी भी तरीके से धरना प्रसन्न करने दिया जाएगा न कुछ करने दिया जाएगा, इतने गरीब घर से हम लोग है कि पैसा कर्ज लेकर के यहाँ से आना पड़ता है, कि हमारी बात सुन ले, क्योंकि हमारी बात सुनने पर ये सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग 55,000 मेडिकल फिट है, 55,000 गुणित 20 कर दीजिए, इतने बंदे हैं वोट वाले जो कि हम लोग नहीं सुनेंगे, तो 2022 में इसका परिणाम जरूर दिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए 2022 में के द्वारा और लोगों द्वारा हम लोग किसी भी तरीके से ना प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। सीधे बोला जाता है कि आपको मिला कहाँ है, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ हम लोग को मिलेगा ही नहीं, कहाँ से मिलेगा धरना प्रसन्न, हम लोग को ह्यूमन राइट हम लोग को मानवाधिकार छीना जा रहा है किसी भी तरीके से, आर्टिकल 19 छीना जा रहा है, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रसन्न करना चाहते थे लेकिन हम लोग को करने नहीं दिया जाता है कहीं भी किसी प्रकार से, हम लोग को ऊपर लाठिया चार्ज तो हर बार कर दी जा रही है, हम लोग जबकि हमारी बात सरकार को सुननी चाहिए लेकिन सरकार न सुन करके हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवा दे रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे गृह मंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से कहेंगे कि हमारी बात को सुन ले, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोग को जो कहे हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को वर्दी की शौक है, वर्दी का शौक पूरा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी देश की रक्षा करना चाहते हैं, हमको किसी भी तरीके से देश की रक्षा करने का एक बार मौका जरूर दे सरकार, मैं सोचता हूँ कि एक बार मौका अगर मिल जाएगा तो चीन पाकिस्तान को मैं सबक सिखा दूंगा, कभी एक बार भी आग्रह दिखा के देख पाएगा, मैं इतना कहूंगा एक बार मौका जरूर मिल जाए चीन पाकिस्तान चाहे कोई भी देश भारत को एक बार आग्रह उठा दे देंगे, हम लोग उस देश के निवासी है जो कि भारत माता की हम लोग बच्चे हैं, हम लोग को चाहिए कि एक बार सरकार जरूर मेरी बात सुन ले, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोग की बात कब सुनेगी सरकार, क्योंकि सरकार हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी बात सुन लीजिए। एसएससी के छात्रों का देखिए किस तरीके से हल्ला बोल था, युवा हल्ला बोल, एसएससी के छात्र, एसएससी जीडी के छात्र, रेलवे कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, जो सभी मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से देश में निजीकरण बढ़ता जा रहा है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, एसएससी जीडी के छात्रों को आप सुन रहे थे 2018 का बैच है, अभी तक नौकरी नहीं मिली, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने किया पिछली बार भी किया था लेकिन लाठियां भांजी, इस बार भी किया और इस बार भी पुलिस ने तितर बितर करने की कोशिश की। कैमरामैन ताबिश अली के साथ द मिरर टीवी। जो एसएससी जीडी 2018 का 55,000 युवा रिटर्न फिजिकल मेडिकल तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है, उसको आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया,
आखिरकार युवा कहाँ जाएगा? एक तो भर्ती में इन्होंने 3 साल खींच दिया, 3 साल में कम से कम 80% युवा ओवर एज हो चुका है, उसका सिपाही बनने का सपना चूर चूर हो चुका है। मोदी जी एक तरफ सेना को सशक्त करने की बात करते हैं, यही सेना सशक्त हो रही है देश की? गृह राज्य मंत्री में नित्यानंद राय ऑन रिकॉर्ड बयान देते हैं कि अर्धसैनिक बल में 1,10,000 से अत्यधिक पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन 55,000 युवा आज दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिछले 6 महीने से हमने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हमको मीटिंग के लिए बुलाया, कोई आश्वासन नहीं, कोई हमारी वार्ता नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता। हम यहाँ पर आंदोलन करने आते हैं, पुलिस हमको भगा देती है, लाठियां खाई है हमने। 17 अगस्त 2021 का प्रोटेस्ट उठाकर देखिए, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए, कोई सुनने को राजी नहीं। हम कहाँ जाएं, कहाँ बिथा हम अपनी सुनाए जाके, हम किसके पास जाएंगे? हम मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आप तो नहीं मांगेंगे रोजगार, तो हम किससे मांगेंगे आखिरकार? कहाँ दिया है रोजगार? आइए ना, मैं तो बीजेपी के बड़े से बड़े स्पोक पर्सन को और बड़े से बड़े नेता को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आके डिबेट कर ले आके डिबेट मेरे साथ रोजगार के ऊपर। किस तरह का रोजगार दिया? बेरोजगारी का आंकड़ा देना बंद कर दिया तुम्हारी सरकार ने, तुम कहते हो रोजगार दिया है हमने, सारे झूठे वादे हैं। ये देखिए महिलाएं हमारे साथ आ रखी हैं, शादीशुदा महिला, बताओ बेचारे शादी के बाद इंसान का जीवन होता है वो अपने घर बार को देखे कि यहाँ धरना करे आके।